तो भाई मैं हूँ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं आरसी हिंदी एक्सपेरिमेंट में। तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि आपको नहीं पता चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम तांबे के यानी कि कापर के वायर को हम किसी नरम लोहे में लपेट कर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी बैटरी से पावर देते हैं, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है जिससे हमें एक चुंबक प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से काम करता है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आइडिया काफ़ी सिंपल सा है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कुछ इस प्रकार का नरम लोहा। आप चाहें तो इसको ट्रांसफार्मर से जो हमारा होता है छोटा वाला ट्रांसफार्मर उसमें रहता है, आप निकाल सकते हैं वहाँ से कुछ तरह से, उसमें मैंने भी निकाला था और आप देख सकते हैं इतना सा है जो कि कम से कम 10 से 15 आपको चाहिए। आप चाहें ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कुछ कॉपर वायर और एक कॉपर वायर चाहिए, उसके लिए हमें कुछ इस प्रकार का, आप चाहे जितना चाहिए जितना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र बनाना हो आपको उतना हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और एक कपड़ा भी चाहिए कुछ इस प्रकार से, चाहे तो आप टेप भी लगा सकते हैं इसमें लगाने के लिए। तो चलते हैं बनाते हैं इसको, फिर देखते हैं इस तरह से। दोस्तों आइडिया काफ़ी सिंपल सा, इसको हम इस तरह से कुछ लगा लेंगे। दोस्तों हमने 5 लगा लिया है। तो भाई हमने 10 पूरे 11 लगा लिया है इसमें, 10 11। और अब क्या करेंगे, इसको हमने कपड़े को कुछ इस प्रकार से लगा देंगे और फिर ताकि हमारा ये वायर जब थोड़ा सा कट भी जाए तो हमारा शॉर्ट ना करे और हमारा चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से काम कर जाए। इसको हम खोल लेंगे कुछ इस प्रकार से और फिर इसमें हम वाइंडिंग कर देते हैं। काफी आसानी के साथ इसको हम इसमें लपेट लेंगे। दोस्तों काफी समय के बाद हमने कुछ इतना सा वाइंडिंग कर दिया है, काफी समय लगता है इसलिए वीडियो को थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं वरना काफी समय लगेगा। पूरी 5 मिनट के बाद हमारा ये कॉपर का जो वाइंडिंग हो चुका है इसमें पत्ती में कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है कुछ इस प्रकार से, एक वायर यहाँ से निकाल देंगे और एक वायर हमारे यहाँ से तो पहले से ही निकला हुआ है और इसमें हम पावर देंगे, फिर देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र बनता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पावर देने के लिए हमारे पास ये बैटरी है, एक सेल यानी 3 सेल को जोड़कर हमने एक बैटरी बनाया था जो कि 5 वोल्ट का है। और चलिए हम इसको चिपका कर देखते हैं इसमें जोड़कर, फिर देखते हैं पावर ये बनाता है या नहीं, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है या फिर नहीं कर पाता है। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इसमें प्लस माइनस की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इसमें हम लगा देंगे, अभी तो आप देख सकते हैं जैसा कि अभी जोड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चक्र नहीं रहा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें पावर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम इस वायर को छुड़ाते हैं तैसे ये गिर जाएगा तुरंत, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र फिर से क्रिएट करने की कोशिश की। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चिपक चुका है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं जैसे ही इस वाले वायर को छोड़ाता हूँ तुरंत ये छोड़ देगा, आप देख सकते हैं। फिर से मैंने इसको चिपका लिया, आप देख ही सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड यानी कि साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट लेकर आते रहते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।